हेलो, गुड मॉर्निंग, कैसे हो सभी। तो एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि रोजाना सुबह करंट अफेयर के क्वेश्चन हम कवर करते हैं, आज 21 जून के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं वो हम कवर करेंगे, जो कि सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि जब भी नया वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ओके गाइस, तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला हमारा कि किस राज्य सरकार ने प्राकृतिक आपदा से फसलों को नुकसान पहुंचाने पर किसानों के लिए 5,000 रुपये न्यूनतम मुआवजा तय किया है। किस राज्य सरकार ने फैसला लिया था कि प्राकृतिक आपदा से फसल का जो नुकसान होता है उसके लिए कम से कम 5,000 रुपये न्यूनतम मुआवजा है वो तय किया गया था। ये मध्य प्रदेश की सरकार ने। राइट आंसर आपका बी है, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में वैज्ञानिकों ने दावा किया कि किस देश का अनाज उत्पादन जलवायु परिवर्तन के प्रति सुभेद्य है, चरम मौसमी स्थितियों के चलते चावल के उत्पादन में उल्लेखनीय रूप से गिरावट आने की संभावना है, और यह था भारत देश के लिए। राइट आंसर का बी डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, एक हाल में किस क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने भारत में वित्त वर्ष 2020 में पवन ऊर्जा के क्षेत्र में सुधार की संभावना व्यक्त की है। किस एजेंसी ने किया था, ये क्या था, इकरा ने, ICRA। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी जो है इसका सही उत्तर है। कितनी गिरावट आने की संभावना बताई थी, ये क्वेश्चन नॉर्मली एक और आपका बन जाता है, तो 3.5 से 4 के बीच में गिरावट आने की संभावना हुई है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि किस देश के राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने भारत के नागरिक शेख मोहम्मद मुनीर अंसारी को स्टाफ ऑफ यरूशलम में सम्मानित किया है, और ये किया था जो फिलिस्तीन के जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और फिलिस्तीन के राष्ट्रपति कौन है, मोहम्मद अब्बास, ठीक है, जिन्होंने भारत के नागरिक जो शेख मोहम्मद मुनीर अंसारी है इनको स्टार ऑफ यरूशलम से सम्मानित किया गया था हाल में। नेक्स्ट आपका है कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अनंतनाग में आतंकियों से मुठभेड़ में शहीद हुए मेजर केतन शर्मा के परिवार को कितने लाख रुपए देकर आर्थिक मदद की है, और इन्होंने दी 25 लाख रुपए की सहायता। राइट आंसर आपका हो जाएगा एक नंबर। नेक्स्ट है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने विदेश व्यापार महानिदेशालय के महानिदेशक आलोक वर्धन चतुर्वेदी का कार्यकाल अगले कितने महीनों तक बढ़ा दिया है, और ये कार्यकाल बढ़ा है 3 महीनों तक बढ़ा दिया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, अब ये सितंबर 30 सितंबर 2019 तक रहेगा। अगला, निम्नलिखित में से किसे हाल ही में जामनगर कोर्ट के द्वारा एक कस्टोडियल डेथ मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। संजीव भट्ट को सुनाई गई थी, जो पूर्व आईपीएस अधिकारी थे, गुजरात मामलों से रिलेटेड थे, ये दंगों से। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला, कि हाल ही में किस यूनिवर्सिटी के द्वारा किए गए शोध में पाया गया कि इस नदी में हिमालय के ग्लेशियर के पिघलने की गति दोगुनी है, और ये कोलंबिया यूनिवर्सिटी जो है उसने दावा किया था। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। योग दिवस 2019 का विषय क्या था, 21 जून जो योग दिवस है इसका विषय योगा विथ गुरुज। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और कब मनाया जाता है, 21 जून को, यानी आज जो है ये योग दिवस है। और नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश की महिला टीम ने सबसे कम स्कोर अर्जित करने का रिकॉर्ड बनाया है, और ये बनाया है माली टीम ने। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, ठीक है, ओके। टोटल कितने रन का स्कोर बनाया है, मात्र 6 रन का स्कोर बनाया है, 9 ओवर खेले थे और मात्र ही 6 रन बनाए थे। ओके गाइस, तो ये थी आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, अगर पीडीएफ लेनी है तो टेलीग्राम या फेसबुक दोनों से ले लीजिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया। और राजस्थान पुलिस की अगर तैयारी कर रहे हैं तो 9:30 बजे दिल्ली हम लाइव टेस्ट करते हैं। ओके गाइस, थैंक यू।